ओवर ब्रिज के नीचे प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो सब्जी व्यवसाय थे उनको हटाया गया, अब उनको जगह सुनिश्चित की गई है, कहाँ वो अपना व्यवसाय करेंगे, किस तरीके से अपना परिवार चलाएंगे, उसके बारे में आइए सिटी मजिस्ट्रेट से बात करते हैं कि उन दुकानदारों को जो छोटे दुकानदार हैं जो अपने सब्जी से अपने पेट के अपने परिवार का जीविका चलाते हैं उनके लिए कौन कौन सी जगह सुनिश्चित की गई है। देखिए हम लोगों ने एक महीने से इनको जगह चिन्हित करके इनको बता रहे हैं, इनको सहयोग कर रहे हैं कि आप लोग जो चिन्हित जगह है वहाँ पे चले जाएं। छोटे दुकानदारों से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, विशेषकर दिक्कत थी बड़े थोक दुकानदार जो काफ़ी ट्रक के ट्रक प्याज और आलू और अन्य सब्जियां लाके यहाँ पे, सत्र न्यायालय आप देख रहे हैं नया बना हुआ है, यहाँ पे आवागमन के यही एकमात्र रास्ता है, इसको खाली करने के उद्देश्य आज हमारी हम सभी लोग सीओ साहब, कोतवाल साहब और ट्रैफिक इंस्पेक्टर सभी लोगों ने मिलके इसको खाली करा के जो छोटे दुकानदार थे उनको चिन्हित जगहों पे भेजा गया और जो बड़े थोक दुकानदार हैं उनको कहा गया कि आप मंडी में चल के मंडी में अपना थोक व्यापार कर सकते हैं। छोटे दुकानदार के लिए कहाँ कहाँ कुछ जानकारी है, कहाँ जाएंगे? 16 जगह वैसे हम लोगों ने चिन्हित किया है और वो डिटेल उनके पास, हर छोटे दुकानदार के व्यक्तिगत रूप से उनका नाम नोट करके उनका पूरा डिटेल करके उनको वहाँ जगह दिखा भी दिया गया है। सर ये जो खाली किया गया है, आप क्या होना है, क्या बनेगा? ये कुछ बनना नहीं है, इसका मरम्मत करके आप देख रहे हैं सामने सत्र न्यायालय है, उसी के आवागमन के लिए ये है। माननीय न्यायाधीश और जितने भी हमारे पब्लिक आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आवागमन बढ़ जाएगा, इस हिसाब से इसको खाली कराया गया है ताकि यातायात सुगमता से हो। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया कि इस एरिया को इसलिए खाली कराया गया है कि ताकि न्यायिक अधिकारियों की गाड़ी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ये एरिया बेहतरीन होगा, सुंदर होगा, चलने लायक होगा, देखने लायक होगा, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन की तरफ से ये सब्जी मार्केट यहाँ हटाया गया है। और जो छोटे दुकानदार हैं, जैसा सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि उन्हें एक जगह दी गई है, वो वहाँ से अपने परिवार की जीविका चला सकते हैं। जहाँ तक बड़े दुकानदारों का सवाल है, जो बड़े आढ़तियाँ हैं, जो आलू प्याज सब्जी के बड़े कारोबारी हैं, जो होलसेल में अपने कारोबार को इस ओवर ब्रिज के नीचे करते थे, अब उनके लिए वो जगह मंडी समिति में, कृषि मंडी में रखी गई है, वो वहाँ से अपना व्यवसाय करेंगे। रही बात छोटे दुकानदारों की, तो छोटे दुकानदारों को जैसा जिला प्रशासन ने बताया, सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि उनको पता है कि उनको कहाँ अपना व्यवसाय करना है। इस एरिया में देखते हैं जिला सत्र न्यायालय बलिया, ये अभी नया बना है कोर्ट, यहाँ कोर्ट चालू होगा उसके पहले इस एरिया को साफ सफाई कराया जा रहा है। ये लंबे समय तक का यहाँ ओवर ब्रिज के नीचे सब्जी मार्केट रहा है। जब सवाल आया लोहा पट्टी का कि लोहा पट्टी में जो जाम लग रहा है, वहाँ सब्जी व्यवसायी पूरी तरह से मार्ग को जाम रख रहे हैं, चौक जाम हो जा रहा है, तो उसको लेकर उस समय तत्कालीन चेयरमैन संजय उपाध्याय थे, उन लोगों के प्रयास से सब्जी बाजार, सब्जी मार्केट यहाँ स्थापित किया गया। लंबे समय से यहाँ सब्जी मार्केट चला, करीब 15 सालों से, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं बदली कि अब न्यायालय के सामने कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा, क्योंकि न्यायिक अधिकारी के साथ साथ फरियादी भी आएंगे, उनके गाड़ी कहाँ खड़े होंगे, वो लोग कहाँ खड़े होंगे, उसको देखते हुए इस एरिया को साफ सफाई कराया जा रहा है। यहाँ बेहतर सड़क बनेगी, डिवाइडर बनेगा, सुंदरीकरण होगा, जिसको लेकर ये तैयारी प्रशासन की तरफ से है। अब तक की खबरों बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए बलिया आजकल, यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।